हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? हालांकि हम आंकड़ा जरूर बता रहे थे किसने क्या प्रश्न किया है, कितना प्रश्न किया है, लेकिन अभी वहां की ताजा स्थिति क्या है ऐश्वर्य? देखिए, सबसे ताज़ा स्थिति है परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर। अलग अलग तरीके के बयान आए हैं। अगर प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान को देखा जाए तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने महकमे को साफ तौर पर बचाने की कोशिश की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्च का महीना है, मार्च के महीने में होता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की कार्रवाई से दहशत का माहौल हो जाता है। मैंने आज ही RTO की और DTO की बैठक बुलाई है, बड़ा बयान है। उसके अलावा उन्होंने कहा है फरवरी मार्च का महीना रेवेन्यू का होता है। ACB ने केवल एक ही इंस्पेक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, यह बड़ा बयान है। और उसके बाद राजेंद्र गुढ़ा ने बड़ा बयान दिया है कि परिवहन विभाग के 90% अफसर और कर्मचारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, मंथली लेते हैं, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। तो आप बयानों में ही विरोधाभास साफ तौर पर देख सकते हैं। मेरे साथ प्रताप सिंह सिंघवी हैं, बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनसे बात करते हैं। सिंघवी साहब, बड़ी बात है खाचरियावास साहब का कुछ कहना और उसके बाद राजेंद्र गुढ़ा साहब का कुछ कहना, नहीं लगता कि सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार पर? इस सरकार के बनने के बाद न केवल ये आज का जो केस हुआ है, ACB ने एक इंस्पेक्टर को ट्रैप किया है, बल्कि आप राजस्थान के किसी भी रोड पर चले जाओ, आपको RTO इंस्पेक्टर या RTO के जो इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा बनाए हुए दलाल सड़कों पर आपको खड़े हुए मिलेंगे। ट्रक ड्राइवरों के पास और दूसरे ड्राइवरों के पास डायरी मिलती है, डायरी में बाकायदा एंट्री करते हैं। खुद रमेश मीणा मंत्री हैं, उन्होंने भी एक को पकड़ा था, खुद रमेश मीणा ने पकड़ा था आपके कोटा रोड पर रमेश मीणा ने पकड़ा। हमेशा कोई ना कोई इस प्रकार की वारदात आपको प्रतिदिन किसी न किसी सड़क पर देखने को मिल जाएगी। मैं समझता हूँ ACB ने ये खाली यातायात विभाग में इस प्रकार की कार्रवाई की है, बाकी अगर सभी विभागों में इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो अन्य विभागों में भी जो भ्रष्टाचार है वो भी निकल कर सामने आएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान था, उस पर प्रताप सिंह सिंघवी का बयान आया है, उन्होंने अपना बयान दिया है, लेकिन यहाँ पर रामनारायण मीणा ने भी एक बड़ा बयान दिया है। रामनारायण मीणा कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ों तक फैल चुका है, कोई भी दूध से धुला हुआ नहीं है। और उन्होंने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार को क्लीन चिट दी थी, इस तरीके का बयान दिया है। लेकिन यहाँ पर राजेंद्र सिंह गुढ़ा का बयान जो है वो राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण बयान है। आखिर उन्होंने बयान क्यों दिया है? तो दूसरी तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास ने फरवरी और मार्च महीने में रेवेन्यू का टाइम बताकर जो बात कही है वो भी दूसरी तरफ कोई दूसरा इशारा करती है। सदन में फिलहाल जो ये मामला है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस मामले को उठाएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 0 ओवर में इस मामले को उठाएगी। भाजपा विधायकों ने तैयारी पूरी कर रखी है? जो भी कल से सुनने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है और समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी मिली है उन सब, और जो हमको हमारे सोर्स से जानकारी मिली है उन सब बातों को लेकर विधानसभा में सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। देखिए, बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आज के प्रश्नकाल में भले ही कुछ भी हुआ हो, शून्यकाल में जो भी हो, लेकिन विधानसभा के अंदर और बाहर जो है वो एक ही चीज को लेकर चर्चा है, वो है। चलिए, लगातार नजर बनी हुई है ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।